तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 24 नवंबर पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 2 21 से 23 अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 9 तक। इसके बाद मैंने अन्य स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अब दूतों का डेरा हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। तब एक बलवान स्वर्ग दूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और ये कहते हुए समुद्र में फेंका, महान नगर बाबुल इस वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणावादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुर्री बजाने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधु का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज़ को ये गाते हुए सुना, आलेलुया, हमारे ईश्वर को विजय महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, अलीलुया, उसके जलने का धुआं युगों युगों तक उठता रहेगा। स्वर्ग दूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। और उसने मुझसे कहा, यही ईश्वर के शब्द हैं, ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है।
ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़े हैं। अनुवाद के धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थाई है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानो युग बनी रहती है। अनुवाक्य धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। जय घोष, अलिलुया। अनुवाक्य अलिलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। अनुवाक्य अलिलुया। 24 नवंबर 2022। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28 तक। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वे नगर में ना आएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। इसके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे, उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम और गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।